हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जिन्हें आप इस टाइम अपनाएंगे तो आप भी इस महामारी कोरोना से बच सकते हैं, और अगर आप इससे पीड़ित हैं तो आपको ये बहुत ही जल्दी रिकवर कर देगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, दुनिया कोविड-19 का इलाज खोजने में जुटी हुई है। शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार इस बीमारी के प्रभाव को कम करने और रिकवरी में तेजी लाने में मदद करता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे तुलसी, अश्वगंधा, मुलेठी, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक आदि वायरस से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा बेहतर इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवरी में मदद करता है। मौजूदा समय में मजबूत इम्यूनिटी ही कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे बेहतर उपाय है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां प्रोटीन और एंटीबॉडी विकसित करने में मदद करती हैं, जो वायरस से लड़ने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स और फागोसाइटोसिस की दर उत्पन्न करने में मदद करती हैं। इससे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में मदद मिलती है और वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में क्या क्या चीज़ें मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहला है, बेचैनी का इलाज है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया जाता है, खास तौर पर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसकी सुगंध अनूठी है और इसका उपयोग अर्क या पाउडर के रूप में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अश्वगंधा अनिद्रा और बेचैनी के इलाज में बहुत प्रभावी है। ये ब्लड शुगर के लेवल को कम करने और तनाव व चिंता से निपटने में भी मदद करती है। ये आंतरिक शक्ति बढ़ाने में भी मदद करती है, जिससे मानसिक रूप से मजबूती मिलती है। दूसरा है, विटामिन सी से भरपूर है आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर होता है। ये च्यवनप्राश में उपयोग किए जाने वाले मुख्य तत्वों में से एक है। आंवला एक प्राकृतिक शीतलक है और शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, अतिरिक्त गर्मी को हटाता है। पित्त दोष होने पर इसके इस्तेमाल की सबसे ज़्यादा सलाह दी जाती है। ये रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाता है। तीसरा है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है हल्दी। हल्दी अपनी औषधीय और उपचारात्मक गुणों के कारण सबसे प्रभावी जड़ी बूटी के रूप में जानी जाती है। इसमें पाया जाने वाला कर्क्यूमिन कंपाउंड इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाता है। ये विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने में मदद करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाने में भी मदद करती है और हृदय रोगों के जोखिम को कम करती है। ये तेजी से ठीक करने वाले गुणों के चलते कैंसर रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। चौथा है, स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है तुलसी। इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली अत्यधिक प्रभावी जड़ी बूटी होने के अलावा तुलसी भारतीय घरों में सबसे अधिक पाया और इस्तेमाल किए जाने वाला पौधा है। तुलसी का सेवन विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जा सकता है। ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कंजेशन, फ्लू, ऐंठन, गैस्ट्रिक समस्या, ब्लड प्रेशर और शुगर आदि रोगों में मदद करती है। पांचवा है, खांसी और फ्लू का इलाज है मुलेठी। मुलेठी का उपयोग अक्सर खांसी और फ्लू के घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है। इसमें मौजूद एंजाइम शरीर को लिम्फोसाइटिस और मैक्रोफोजिस का उत्पादन करने में मदद करता है, जो शरीर को विभिन्न बैक्टीरिया, प्रदूषकों, एलर्जी और कोशिकाओं से बचाते हैं, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आप भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट के बताए उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आप कोविड-19 के टाइम पर इन चीज़ों का सेवन ज़रूर कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।